ఫైర్ కదా కాదు వైల్డ్ ఫైర్ ఆ हाँ तो गाइस जिस तरह से पुष्पादि रूल की एडवांस बुकिंग के लिए रश देखने को मिल रहा है इससे इजीली पता चल रहा है पुष्पराज फायर नहीं वाइल्ड फायर होने वाले हैं क्योंकि आप एडवांस बुकिंग देख ले जैसी एडवांस बुकिंग स्टार्ट हुई भाई सब ऐसी अफरा तफरी देखने को मिली है और जिनकी भी सिटी में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं की गई है ना तो भाई साहब मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के रिप्लाई कर दूंगा। तो भाई सब एडवांस बुकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। एक घंटे में जो टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं मतलब कि आप लोगों को काफी ज्यादा सरप्राइजिंग करने वाला है। मल्टीपल अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो जितने भी आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर के फैंस वीडियो को देख रहे हैं पहले वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि हम ऐसी बैक टू बैक अपडेट लाते हैं किसके लिए आप ही के लिए। तो चलिए जान लेते हैं भाइयों। पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं तेलंगाना का जो मिडनाइट में फर्स्ट शो होने वाला ना उसका प्राइस इतना खतरनाक है वो भी सिंगल स्क्रीन का जो है रात के 12 बजे का शोज है मिडनाइट में उसका जो सिंगल थिएटर का प्राइस है वो है 1121 रुपए 1121 रुपीज जस्ट सिंगल थिएटर का है सिंगल स्क्रीन का है। मतलब आप देख रहे हैं मैं मल्टीप्लेक्स की बात नहीं कर रहा हूँ और रात के 12 बजे का जो शोज होने वाला मल्टीप्लेक्स में वो होने वाला है 1239 रुपीज का होने वाला। मतलब सिंगल थिएटर का अलग है वो भी फर्स्ट शो का और मल्टीप्लेक्स का अलग है। तो मतलब आप देखो किस तरह से रश देखने को मिल रहा है। मैं आप लोगों को बताऊं ना इतना खतरनाक दबदबा होने वाला है और जैसी इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट की गई भाई साहब सर्वर क्रैश कर दिया गया आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है सर्वर क्रैश है। पता नहीं यार बुक माय शो पेटीएम वालों का कितना क्या नुकसान हो गया होगा। और वहीं आप लोगों को पता तो है ना जो भी मुंबई से हैं तो भाई साहब 3:15 पे इसकी एडवांस बुकिंग मुंबई में स्टार्ट कर दी गई है। तो जो भी अपने भाई लोग मुंबई के हैं तो भाई साहब जाओ और अपनी थिएटर की लिस्ट देख लो आपके जो नियरेस्ट थिएटर है उसका देख लो। तो पहले मैं आप लोगों को बताता चलूं इसके एडवांस बुकिंग किस तरह से चल रही है। तो भाई बुक माय शो पे एक घंटे में जो उसके शॉकिंग टिकट सोल्ड आउट हुए वो हुए हैं 17,000 प्लस यानी कि नियरेस्ट 18,000 बोल सकते हैं आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है 17.93K प्लस इसके टिकट सोल्ड आउट हो गए जस्ट ओनली एक घंटे के अंदर। मतलब आप देखो कोई है क्या आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर की तरह जिस तरह से अब वो देखने को मिल रहे हैं वहीं जिसकी भी सिटी हो भाई साहब मुझे कंफर्म कर दीजिएगा। पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं पुष्पा टू बुकिंग ओपन इन दिस लोकेशन इन डिस्ट्रिक्ट एंड पेटीएम एंड बुक माई शो ऐप। अमृतसर पंजाब में हो गया है आगरा यूपी में हो गया भोपाल एमपी में हो गया बड़ोदरा गुजरात में हो गया मुंबई दिल्ली में हो गया है प्रिया सिनेमा कोलकाता में भी हो गया है वेस्ट बंगाल में भी हो गया है मिराज सिनेमा नोएडा दिल्ली एनसीआर में हो गया है और तिनसुकिया जो कि आसाम में है वहां पर भी हो गया है 3D एंड 2D बोथ ओपन। मतलब आसाम तिनसुकिया में जहां पर प्रभास अन्ना सर सालार सीज फायर पार्ट वन के अंदर तिनसुकिया में उनकी माँ के साथ रहते हैं वही तिनसुकिया। तो और नाला सुपारा महाराष्ट्र में भी हो गया है अहमदाबाद महाराष्ट्र में भी हो गया है और मेरे प्यारे इंदौर में भी कर दिया गया। मतलब कि 2D में भी आप एंजॉय कर सकते हैं 3D में भी देख सकते हैं और भी जो मल्टीपल आईमैक्स वर्जन जो भी है 4DX RDX जो भी मतलब जितने भी वर्जन होने वाले ना भाई सब आप इजीली थिएटर में विजिट करके बुक कर सकते हैं ऑनलाइन पेटीएम या फिर बुक माई शो या फोन पे या फिर अदर स्टेशन के थ्रू भी आप बुक कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे आपकी लोकेशन कंफर्म कर दीजिएगा ताकि मैं आपको कमेंट सेक्शन में बताता चलूं। तो भाई ये लोकेशन है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। वहीं अगर अपन बात करें इसके बारे में तेलंगाना में जो इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने वाली है 4:56 में इवनिंग से स्टार्ट कर दी जाएगी मतलब कि 5 बजे से। और 5 बजे से जो रश स्टार्ट होने वाला है ना ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि तेलंगाना एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट है ऐसी मतलब यार वहां पे जिस तरह से माहौल देखने को मिलता है प्रभास अन्ना सर के लिए जो माहौल देखने को मिल रहा है आइकन स्टार अल्लू अर्जुन सर के लिए जो माहौल अब देखने को मिलेगा काफी ज्यादा इनक्रेडिबल होने वाला है। तो भाई साहब आप देख सकते हैं कि एक घंटे में 17,000 प्लस इसके टिकट सोल्ड आउट हो रहे हैं। तो मतलब अभी यार किस तरह का माहौल क्रिएट होने वाला है ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वहीं अगर अपन बात करें इसके सेकंड ट्रेलर के बारे में तो मैंने आप लोगों को बोला ना भाई काफी जल्दी उसकी मूवी की टीम अनाउंसमेंट करने वाली और वो जो देखने को मिलेगा
3 दिसंबर के दिन देखने को मिलेगा। बाकी देखियो डेट आगे पीछे हो ही जाएगी क्योंकि काफी सारी चीजें होती है जो कि कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं हो पाती है, लेकिन जैसे ही सेकंड ट्रेलर के बारे में कुछ रिलेवेंट अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वैसे आप लोग बताओ क्या लगता है पुष्पा दी रूल की जो एडवांस बुकिंग स्टार्ट कर दी गई उसके बारे में क्या लगता है? आपने अभी तक अपने टिकट बुक किए हैं या नहीं किए हैं? आप किस सिटी से विजिट कर देख रहे हैं मेरा वीडियो ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और क्या लगता है इसके सेकंड ट्रेलर के बारे में ये भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।